नमस्कार, मैं जयकृति आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश में गेहूं और जौ की फसल बालियों की अवस्था पर है। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण फसल पर कुछ रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव फसल की पैदावार पर पड़ता है। तो गेहूं और जौ की फसल में बालियों की अवस्था पर कौन कौन से रोग लगते हैं और इनके नियंत्रण के लिए क्या उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरडा के विशेषज्ञ इरफान खान। अभी गेहूं और जौ जो कि अपने फ्रूटिंग स्टेज पे है या बालियां बोले तो बालियां बनना शुरू हो गई है, तो इस अवस्था में जो प्रमुख बीमारी आती है गेहूं और जौ में वो है लूसमट की। लूसमट जो डिजीज है या बीमारी है वो बीज जनित बीमारी है। किसान भाइयों, गेहूं और जौ की फसल में इस समय लूसमट रोग दिखाई दे रहा है। इस रोग का नियंत्रण किसान भाई तभी कर पाएंगे जब इसकी सही पहचान जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लूसमट रोग की पहचान के लक्षण के बारे में, जो इस प्रकार से है। अगर आपने बीजोपचार नहीं किया है उससे अगर आपके खेत में ये बीमारी का प्रकोप हो रखा है, जैसे बाली बनेगी तो बाली काली बनना, जो भी बालियां बनेगी वो काली हो जाती है। भाई जैसे कि ये देख रहे हैं जो की फसल में ये जो अन्य जो बालियां हैं वो स्वस्थ है और ये जो बाली है इसमें लूसमट की वजह से जो बाली खराब हो गई है और इसमें जो फंगस है उसके बीजाणु है उन्होंने बीज है उसको रिप्लेस कर दिया है। तो जैसे ही आपको जौ के खेत में गेहूं के खेत में ऐसे काले जो बालियां दिखाई दे तो उनको तोड़ के आप पॉलीथीन में या लिफाफों में इकट्ठा करके एक स्थान पे जला दें, जिससे आपकी अगले आने वाली जो फसल है वो स्वस्थ रहे। किसान भाइयों, ये तो कहावत आपने सुनी ही होगी, इलाज से बेहतर बचाव होता है, जो फसल उत्पादन में भी लागू होता है। तो जौ और गेहूं की फसल को लूसमट रोग से बचाने के लिए किसान भाई कौन कौन से उपायों को अपनाए, वह इस प्रकार से है। तो इनके नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप जो रसायन या कोई भी दवाई छिड़कोगे तो उससे कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो इसके लिए किसान जो बालियां हैं वो काली पड़ गई है उनको हाथों से इकट्ठा करें, पॉलीथीन या लिफाफों में बंद करके उनको जला दे। उससे किसान भाइयों को क्या फायदा होगा कि अगले साल जब आप इन्हीं बीजों को वापस इस्तेमाल करोगे तो इसमें जो बीज जनित जो बीमारी है आपकी वो जो आपके स्वस्थ बीज हैं उसमें नहीं मिलेगी, तो अगली आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी। और इससे ये भी फायदा है कि आसपास की जो आपकी स्वस्थ फसल है वो इस बीमारी से बच जाएगी। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर जला दे, बीजों को कार्बोक्सिन 75 WP 1.5 ग्राम या कर्बेंडाजिम 50 WP 1.0 ग्राम या टेब्यूकोनाजोल 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बुआई करें। तो जब भी किसान भाई अपनी गेहूं और जौ की बुआई करे तो बीजोपचार आवश्यक करें। बीजोपचार किसान भाई है वो विटावेक्स से करें और विटावेक्स की जो डोज है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से जो विटावेक्स है उससे बीजों को उपचारित करें। इससे जो लूसमट की जो समस्या है गेहूं और जो दोनों में ही ये समस्या है पूर्णतः नियंत्रित हो जाती है। किसान भाइयों, गेहूं और जौ की फसल में इस समय कबरसमट रोग दिखाई दे रहा है। इस रोग का नियंत्रण किसान भाई तभी कर पाएंगे जब इसकी सही पहचान जानेंगे। पहले जानते हैं कबरसमट रोग की पहचान के लक्षण के बारे में, जो इस प्रकार से है। ध्वज कंठ या फ्लैग स्मट या कबर स्मट, ये रोग एक कवक से होता है। इस रोग के कारण संक्रमित पौधों की पत्तियां अधिक लंबी मुड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि बाद में कवक बीजाणुओं के बनने से काली होकर टूट जाती है। ऐसे पौधों में बालियां नहीं बनती है जिससे उपज कम हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी गेहूं और जौ की बात करें तो कवर स्मट है। कवर स्मट में क्या होता है, ये जो काले काला जो कवर होता है वो आपके जो गेहूं या जौ के जो दाने होंगे उसको आवृत कर लेगा। किसान भाई ये जो बीमारी है
इसको ये भी जैसे बीजो उपचार से आप इसको नियंत्रित पा सकते हो, और कवर स्मट के लिए जो स्प्रे है विटावेक्स का स्प्रे करके भी ये जो बीमारी है इसका नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान भाइयों, हम अपने अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से खेती और डेयरी व्यवसाय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंचाते हैं, जिसे अपनाकर आपने लाभ भी उठाया है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानकारी लाए हैं इनाफ योजना के बारे में। तो ये योजना किसानों के लिए किस प्रकार से है लाभकारी, आइए जानते हैं। राज्य के पशु चिकित्सालय गोविंदगढ़ जयपुर के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन के वर्मा से। राजस्थान में कृषि के साथ साथ पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, और अभी पशुपालन विभाग ने इनाफ योजना लागू की है, जिसका अर्थ है इन्फॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। इसके तहत राज्य में जितने भी पशु हैं उन सब की पहचान सुनिश्चित होगी। इसमें प्रत्येक पशु के टैगिंग होगी, और टैगिंग के बाद में उनका पंजीकरण होगा। इसमें जिसके भी टैगिंग होगी पशु के, उसको इनाफ पोर्टल पर वो इंद्राज जो होती है, इससे पशु की पहचान सुनिश्चित होगी। और दूसरी बात यह है कि इसमें उसका आनुवंशिक ब्यौरा भी संधारित होगा। आनुवंशिक ब्यौरा संकलन होने से अपने उन्नत नस्ल के जो पशु हैं उनका संवर्धन होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपने जो भी इसके तहत टीकाकरण होगा, कृत्रिम गर्भाधान होगा, नकारा पशुओं का टीकाकरण, नकारा पशुओं का बधियाकरण जो होगा, उसको अपना जो रिकॉर्ड संधारित करते हैं उससे भी अपने को आसानी होगी। दूसरी चीज़ जो दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो पशुओं का जो रोगों का प्रसार है, संक्रमण है, उसके ऊपर अंकुश लगेगा। और पशुपालन की जो भी योजनाएँ हैं पशुपालन विभाग की, उन सारी योजनाओं का लाभ देने में पशुपालकों को आसानी होगी, और उनको एक पशु की पहचान सुनिश्चित होगी। पशु को मिलेगा आधार की तरह यूनिक नंबर। पशुपालन विभाग की ओर से दुधारू गाय भैंस को टैग लगाने का अभियान शुरू किया गया है। टैगिंग के आधार पर पशुओं को आधार कार्ड की तरह ही यूनिक टैग नंबर दिए जा रहे हैं। दुधारू पशुओं को यूनिक नंबर मिलने से पशु का पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में एक क्लिक पर सामने आ जाएगा। पशुपालन विभाग ने पशुओं के टैग लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ इनाफ अभियान की तरह दुधारू पशुओं का पंजीयन कर यूनिक नंबर जारी किया जा रहा है। यह यूनिक नंबर 12 अंकों के आधार कार्ड की तरह है। शासन की ओर से प्रदेश भर में करीब 85 लाख से अधिक दुधारू पशुओं में टैगिंग की जाएगी। NPBB और NMB के तहत प्रदेश में गोवंश और भैंस वंश की प्रजनन योग्य और दुधारू पशुओं में 12 अंकों के टैग लगाने का कार्य किया जा रहा है। इनाफ पोर्टल पर टैग के माध्यम से घर बैठे ही अपन पशु की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इससे अपने स्थानीय व वैश्विक स्तर पर ई मार्केट विकसित होगा। इसके अलावा पशुपालन विभाग ने संबंधित संस्थाओं में टीमों का गठन किया है। वहाँ से संबंधित संस्थाएं हैं जो अधिकारी कर्मचारी डोर टू डोर जा करके पशुओं के टैगिंग करेंगे, उनका पंजीकरण करेंगे, और इससे अपने जो भी पशुपालन विभाग की योजनाएं हैं उसको पशुपालक तक पहुंचाने में सुविधा होगी, और उससे उनको आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। यूनिक नंबर से टैगिंग के फायदे। पशुओं के स्वास्थ्य के साथ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह कोड जारी किया जा रहा है। पशुओं की टैगिंग के बाद जारी यूनिक नंबर में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, इलाज, उत्पादकता के आकलन के लिए रिकॉर्ड रहेगा। इसमें पशुओं का आनुवंशिक डाटा भी शामिल रहेगा। जिले के 183 पंचायतों पर यह कार्य किया जा रहा है। इससे आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों की निगरानी बेहतर हो सकेगी, पशुओं के आहार संतुलन, पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी मिल सकेगी, जिसे किसानों को उत्पादन में वृद्धि में मदद मिलेगी। इस एनाफ योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने से पशुपालक को पशुपालन विभाग की नवीनतम योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। इसके अलावा पशु नस्ल सुधार जानकारी के द्वारा उन्नत नस्ल के जो पशु वंश है उनका संवर्धन होगा।
इसलिए मैं सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि जब भी पशुपालन विभाग की कोई टीम आए आपके घर तो उनका टैगिंग जरूर करवा ले और पंजीकरण अवश्य करवा ले। इससे उन्हें मतलब आर्थिक लाभ तो होगा ही होगा, भविष्य के अंदर जो भी कोई योजनाएं मिलेगी वो उसके लिए जरूरी होगा। ये एक आधार कार्ड की तरह काम करेगा, तो सभी पशुपालक भाई इसको अवश्य लगवाएं। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक व्यवसाय बन रहा है और इससे किसान लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो जो लोग इस व्यवसाय को अपनाते हैं वे अधिक शहद प्राप्ति के लिए अपने मौन बॉक्सों का किस प्रकार से ध्यान रखें, जिस पर जरूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रामाश्रित सिंह। कि मधुमक्खी परिवार को जो हम लेते हैं वो परिवार में आपको देखना है कि रानी नई है और गर्भित है। गर्भित रानी की ये पहचान है कि वो एक घर में एक ही अंडा देगी या उसका टीप जो है उदर भाग का फूला हुआ रहेगा। नई रानी है, इसकी पहचान यह है कि उसका उदर भाग गोल्डन कलर का होगा, सोना के रंग का होगा। जब मधुमक्खी परिवार को ले जाते हैं उसके पहले उस स्थान का चुनाव कर लीजिए कि कहाँ रखें। उसे यही देखना है कि मधुमक्खी के निकास बक्से का निकास द्वार पूर्व या दक्षिण की तरफ होना चाहिए और मधुमक्खी बक्सा जब वहाँ अपने पहुंचा दिए तो थोड़े देर आधा घंटा एक घंटा के बाद ही उसका गेट खोलें ताकि मधुमक्खियाँ अस्थिर हो जाएं। उसके बाद आपको देखना है कि शुरू में तो मधुमक्खियों को पता नहीं है कि किधर उसका भोजन स्रोत है, तो दो दिन चार दिन तक उसको चीनी की चाशनी कृत्रिम ढंग से बनाकर 1 किलो पानी और 1 किलो चीनी को थोड़ा गर्म करके ठंडा करने के बाद प्लास्टिक के गिलास में खरपतवार देकर अंधेरा होने के बाद देना चाहिए। गर्मी के मौसम में कौन कौन फूल हैं आपको जानकारी लेना चाहिए और उसमें क्या होता है कि सूरजमुखी भी मिलता है उस समय, मूंग का भी मिलता है, जामुन का, जमुनी का भी मिलता है, करंज का भी मधु लेते हैं। हम लोगों ने पाया है कि मधुमक्खी के बक्सा को स्थानांतरण करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तो उसमें भोजन एकत्र करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कम से कम साल में लंबा या छोटा स्थानांतरण जरूरी है। अगर भी कोई भी रोग लगा हुआ है तो उसका नियंत्रण कीजिए, और नहीं तो एक होता है डमी बोर्ड होता है, डमी बोर्ड लगा देने से भी मधुमक्खियों का उत्साह बढ़ता है और घर को गर्म और ठंडा करने में, तापक्रम बनाए रखने में सहायक होता है। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को भी खा जाती हैं। बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मिक एसिड दवा, हमारे यहाँ एक ही समस्या है, माइट की समस्या है। माइट की समस्या में से निपटने के लिए जरूरी है कि तलपट को 15 दिन पर सफाई करते रहें, और दूसरी बात यह है कि फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। 5 ml फॉर्मिक एसिड 15 दिन के अंतराल पर देने से माइट का रोकथाम हो जाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर सफल मधुपालक बनना चाहते हैं तो 2 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। पहला कि 2 कमज़ोर परिवार के बजाय 1 मजबूत अच्छा। कमज़ोर परिवार होने पर उसमें रोग ज़्यादा लगता है, दुश्मन उसको तंग करते हैं, तो उसको मिलाकर मजबूत बनाकर रखना चाहिए। आज जब बसंत काल आए, बढ़िया समय आए, तो ठीक है उसका बंटवारा करके बक्से को बढ़ा देना चाहिए। दूसरा इसका यह है कि यथासंभव आप प्रयास कीजिए कि ऐसा न हो कि कोई परिवार बहुत मजबूत हो और कोई बहुत कमज़ोर हो। तो इसके लिए बहुत कमज़ोर और बहुत मजबूत के बीच में गैप रखने के लिए है कि ब्रूड वाला जो छत्ता है सप्ताह में एक बार एक बक्से से निकालकर कमज़ोर बक्से में दें तो प्रौढ़ मक्खियों की संख्या बढ़ने लगती है कमज़ोर में, तो मजबूत और कमज़ोर में गैप कम रहता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो जैसे लूट मार की समस्या से आप निपट सकते हैं, नहीं होगा।
माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फॉर्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेट कर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खियों के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्म को पकड़कर तुरंत मार दें, साथ ही छिपकली मेंढक और चिड़ियों से भी बचाव करें। तो ऐसे मोमी पतिंग या कीट से बचना चाहिए। चूंकि मधु मिठास है बक्से में, तो चीटा चीटी का प्रकोप तो स्वाभाविक है, इसलिए गर्मी और बरसात में हमेशा मधुमक्खी के बक्सा को स्टैंड पर रखें। अगर ज़्यादा कहीं आक्रमण हो रहा है तो स्टैंड में चिपचिपा चीज कुछ लगा दें, ताकि चींटी और ये सब बक्से के अंदर ना जाए। इस तरह से शत्रुओं से बचाना जरूरी है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है, उसे पूछा है गांव बेरा, जिला पाली के प्रहलाद सिंह ने। आपने मूंग की उन्नत किस्में और बुआई के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मूंग एक ऐसी दलहनी फसल है जो किसान आसानी से उगा सकते हैं। इसकी खेती जायद के टाइम में खाली खेत या तलटी जहाँ पानी भराव होता है, या ऐसी जगह अनुपयोगी आप समझते हो जिसमें और चीज़ें नहीं बो रहे हो, उसके लिए जायद खाली टाइम में आप ही काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। बीज की उन्नत किस्मों की बात है, IPM 2-3 है। इसके अलावा RMG 62 है, पूषा वैसाखी है, K851 है, और एक वैरायटी जो आप मुख्य रूप से पसंद पुराने समय से की जा रही है, ये पूषा वैशाखी और 851 बहुत ही अच्छी वैरायटी है। फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए बुआई के 20 दिन पहले खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला देना चाहिए। जहां तक रासायनिक उर्वरकों की बात है, तो इसका प्रयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ही करना चाहिए। इसकी बुआई करने के लिए आपको खेत तैयार किया जाता है। खेत की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें दो बार जुताई की जाती है, क्योंकि इस ये फसल मुख्य रूप से दलहनी फसलों में होती है, और दलहनी फसलों के बारे में आप सभी को ध्यान है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़मीन के अंदर करती है, तो ये ज़्यादा वातावरण में जो नाइट्रोजन है 78% उसको देती है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें खर्चा कम आता है। बुआई करते समय इसके अंदर DAP का ज़्यादा यूज किया जाता है, 90 किलो DAP और 10 किलो यूरिया इसके साथ मिलाकर के भेजा जाता है। मूंग की बुआई विधि और दूरी की बात करें, तो इसकी बुआई लाइनों में करना अच्छा होता है। इसके लिए पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी समान रखते हुए बुआई करनी चाहिए। इसकी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी बुआई है जो मार्च के बीच में की जाती है, जिस समय की सरसों के खेत या कोई खाली खेत होते हैं उनमें आसानी से बुआई की जा सकती है। पेड़ से पेड़ की दूरी की जहाँ की बात है, इसके 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, और लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। मूंग की बुआई के बाद खेत में एक मुख्य समस्या आती है खरपतवारों की, तो इसके लिए बुआई के 24 घंटे के अंदर पैंडी मैथिलीन 3.3 लीटर दवा 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, तो खरपतवारों की समस्या से 1 से 1.5 महीने तक निजात पाया जा सकता है। जहाँ तक पानी की मात्रा की बात है, इसमें दो सिंचाई बहुत होती है, एक 40 से 45 दिन बाद में, एक करीब 65 के आसपास हो जाती है, जिसमें पॉड फॉर्मेशन होती है उस समय होती है। इसके अलावा इसकी मैच्योरिटी जो मुख्य रूप से आएगी, तो आप उस समय अप्रैल करीब, आपको मैंने बताया 75 से 80 दिन में मैच्योरिटी आती है, जिसमें इसकी फलियाँ तोड़ ली जाती है सुखा करके, और इसका उत्पादन काम में लिया जाता है। इसका चारा भी काफी उपयोगी है जो पशुओं के काम में लिया जाता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियाँ।
कम पानी में ड्रिप मल्चिंग से करें सब्जियों की खेती, कमाएं अच्छी आय। एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन रोजगार का बेहतर जरिया। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataRajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।